आ रही हूँ, बस एक मिनट। नींद नहीं आ रही है। लो, अब लाइट नहीं आएगी। मैं अभी आती हूँ। शाम को तो बारिश और तेज हो जाएगी। थोड़ा पहले नहीं आ सकती? नहीं हो पाएगा। मैं 6 बजे तक पहुंचती हूं। ओके। मुझे पता है वहां एक मॉल है। वहां से लेफ्ट ले लेना। ओके, लेफ्ट। मैं पोर्च की लाइट ऑन करके रखूंगी। तुम्हें घर ढूंढने में आसानी होगी। ओके, बाय। हाय वृंदा, आई एम उर्वशी। ऑफ कोर्स यू आर। अपने नाम की तरह खूबसूरत भी हो। आओ, अंदर आओ। अरे थोड़ी देर इंतजार कर लेती, मैं छाता लेकर आ ही रही थी। देखो पूरी भीग गई हो। सोचा नहीं इतनी बारिश होगी। अरे तुम्हें तो जुकाम भी हो गया है। लेट मी गेट अ टॉवल फॉर यू। Here you go. Oh, thank you. आनंद कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। अरे वो सो रहा है। कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा था। बस अभी अभी आंख लगी है।
सॉरी, ट्रैफिक बहुत था इसलिए देर हो गई। अरे सॉरी की कोई बात नहीं है, थोड़ी देर बैठो, अभी उठ जाएगा, तब तक मैं चाय बनाकर लाती हूँ। उसकी कोई जरूरत नहीं है। अरे मैं बहुत अच्छी चाय बनाती हूँ, तुम ट्राई करके तो देखो, तुम्हारा जुकाम भी एकदम ठीक हो जाएगा। वेरी नाइस परफ्यूम, कौन सा है? रोमांस। ऑफ कोर्स। आयुर्वेदिक लैब। आई होप यू डोंट माइंड। श्योर। आनंद ने बताया था दैट यू आर इन आयुर्वेदा एंड ऑल। यस, आयुर्वेदा इज माय पैशन, इट हैज सो मच पावर। शादी से पहले तो आई हैड अ फुल प्रैक्टिस, पर शादी के बाद सब छूट गया। अब बस अपना और आनंद का इलाज करती हूँ। पर आनंद ने कभी तुम्हारे बारे में कुछ नहीं बताया। मुझे पहले पता होता कि तुम लोग इतने अच्छे दोस्त हो तो। हम लोग कॉलेज में साथ थे, फिर इतने सालों तक मुलाकात नहीं हुई। यहाँ शिफ्ट हुई तो बस एक हद बार बात हुई हमारी। अरे तुम तो सीरियस हो गई, मैं तो यूं ही मजाक कर रही थी। ये क्या डाला आपने? ये पुड़िया है, इसी में तो आयुर्वेदा का सारा सीक्रेट छुपा है। और इसकी खासियत क्या है जानती हो? इसे अगर सही मात्रा में लिया जाए तो ये अमृत है, और अगर मात्रा कहीं गलत हो जाए तो जहर। तुम भी ले जाना दो पुड़िया अपने साथ, तुम्हारा जुकाम दोबारा कभी शक्ल नहीं दिखाएगा। लो। अभी उठ जाएगा आनंद। वैसे तुम करती क्या हो उर्वशी? आई एम एन आर्किटेक्ट। और तुम्हारे हस्बैंड? वो अब हम साथ नहीं है। आई एम सॉरी। अरे नहीं, सॉरी की कोई बात नहीं है। कभी कभार जब रिश्तों में प्यार खत्म हो जाता है तो रिश्ते खत्म कर देना ही अच्छा होता है। तुमने चाय नहीं पी। खैर छोड़ो, अब तो ठंडी हो गई होगी। ओ, आनंद अभी भी टेनिस खेलता है?
कॉलेज में तो ही वॉज अ स्टार. ये तो आपका घर बहुत खूबसूरत है. आनंद को बहुत शौक है खूबसूरत चीजों का. जहां भी जाता है नई नई चीजें उठाकर ले आता है. फिर सोचता नहीं है कि घर में ऑलरेडी कितना कीमती सामान रखा है. फिर मैं बस उनकी सही जगह ढूंढती रहती हूँ. लो उठ गए आनंद, आओ मिल लो. आनंद देखो तुमसे मिलने कौन आया है. कितनी बार कहा है कि खिड़कियां थोड़ी खुली रहने दिया करो, ताजी हवा आने दिया करो. थोड़ा इधर आ जाओ आनंद. देखो कौन आया है. कब से इंतजार कर रही है बेचारी. कहने लगी मैं थोड़ी देर बाद आ जाऊंगी, पर मैंने ही कहा थोड़ी देर रुक जा. इतनी जल्दी क्या है जाने की. अभी उठ जाएगा आनंद और फिर मेरे हाथ की चाय न पी तो क्या पिया भला. आनंद आई थिंक ही सेइंग हाय टू यू. हाय आनंद. ये सब कैसे हो गया. आनंद को तो कभी जुकाम तक नहीं होता था. आई मीन कॉलेज में. वही तो समझ में नहीं आ रहा है. डॉक्टर्स भी कुछ नहीं कहते. पिछले 2 महीने से जाने कितने टेस्ट्स कर चुके हैं. अब तो आनंद के शरीर में इतना खून भी नहीं बचा है कि और टेस्ट किए जा सके. मैं समझ सकती हूँ आपके लिए बहुत मुश्किल होगा. ये मुश्किलों में ही तो प्यार की पहचान होती है उर्वशी. लो थोड़ा सा पी लो, तुम्हें अच्छा लगेगा. आराम से. ये क्या दिया आपने आनंद को. कभी कभी जब रिश्तों में प्यार खत्म होने लगता है तो उसके लिए दवा करनी पड़ती है. मैं नीचे से थोड़ा गर्म पानी लेकर आती हूँ. तब तक तुम आनंद के पास बैठो. वो कहेगा कुछ नहीं पर समझता सब है. सारे रास्ते सोचती आई कैसे होगे तुम, कैसे मिलूंगी मैं तुमसे. कई बार सोचा लौट जाऊं पर आनंद ये सब कैसे हो गया, क्यों हो गया. कितने सपने देखे थे हमने. सब कुछ जैसे एक पल में ही बिखर गया हो. दो महीनों से हिम्मत जोड़ रही थी
कई बार फोन भी किया पर तुमसे बात नहीं हुई। आनंद मेरी तरफ देखो, आनंद मेरी तरफ देखो। आनंद तुम नाराज हो मुझसे, ये मेरे लिए भी आसान नहीं। आनंद देखो मेरी तरफ। आनंद आनंद पर मैं वापस आ गई हूं। मैं अभी भी तुमसे वैसा ही प्यार करती हूँ जैसे पहले करती थी। आनंद 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 देखो मेरी तरफ। आनंद देखो मेरी तरफ। आ रही हूँ, बस एक मिनट। क्या हुआ आनंद? अरे आनंद, अरे मैं आ गई हूँ। आनंद मैं यहीं हूँ। क्या हुआ? मैं यहीं हूँ तुम्हारे पास। क्या हुआ आनंद को? हम बस बात कर रहे थे। उर्वशी मुझे लगता है अब तुम्हें चले जाना चाहिए। आनंद चिंता मत करो, अब सब ठीक हो जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। यूं ही तो नहीं कहते होंगे, इश्क इम्तिहान लेता है, उठाता है आसमानों तक, पर कभी मर जाने का फरमान देता है। डूब जाते हैं वो जो इश्क के समंदर में उतरते हैं। कहां जाना था मैंने कि खामोश लहरों में दबा दर्द का तूफान होता है। मैं भी इश्क में डूबी रही जब तक तुम्हारा साथ था। रंगीन सपनों से बुना रंगीन हर एहसास था। मासूम सपने थे मेरे, महका हुआ हर आज था। तुमसे बंधी हर आस मेरी, तुमसे जुड़ा हर सांस था। फिर जाने क्यों मेरे सपनों की शक्ल बदलने लगी। मैं तो वहीं थी, तुम भी वहीं थे, फिर क्यों खुदगर्जियां बढ़ने लगी। तुम पास रहकर भी न जाने दूर क्यों होने लगे। दर्द के रिश्ते थे जितने, एक पल में सब खोने लगे। हर शाम अपने साथ नया बहाना लाने लगी। तुमसे रोशन थी जो रातें, अब मायूस लौट जाने लगी। खामोशी जो गुनगुनाती थी कभी, अब अलग सी दास्तां कहने लगी। मेरे तुम्हारे रिश्ते में एक नई महक आने लगी। समझ जाती तो दर्द बढ़ जाता, इसलिए समझ कर भी सब कुछ ना समझ रहने लगी। मैं टूट कर बिखर गई, हर पल सदियों सा कटा। मेरी मुकम्मल तस्वीर का चेहरा कहीं खोने लगा। कितनी दफे रोका खुद को, कितनी दफे कोसा किया, कितनी दफे खत्म कर दूं सिलसिला ये तय किया। पर प्यार के धागे थे जो, वो सिर्फ तुमसे थे नहीं। कुछ तारे ऐसी भी थी जो मेरी रूह से थी जुड़ी। मर कर भी क्या तय था कि खत्म सिलसिला होगा, इसलिए खुद ही
इस सिलसिले का अंजाम मैंने तय किया। मुझसे न पूछो अपनों के वास्ते क्या क्या किया, मुझसे न पूछो सपनों के वास्ते क्या क्या किया, बस इतना पता है जो किया इश्क की खातिर किया। कुछ झूठ की दीवारें गिराना ज़रूरी था मेरे लिए, प्यार की खातिर खुद से लड़ जाना ज़रूरी था मेरे लिए। हर रात की सुबह होती ही है ये तो तुम्हें भी मालूम था, पर अंधेरे का सच तुम तक पहुंचाना ज़रूरी था मेरे लिए। मुझसे न पूछो अपनी सुबह के वास्ते क्या क्या किया, रिश्तों के लिए दवा की या हर लम्हा कड़वा जहर पिया, बस इतना पता है जो किया इश्क की खातिर किया। अब पास हो तुम इतने के पहले कभी न थे, जुड़े हो मुझसे मेरे हो इतने के पहले कभी न थे। तुम्हारे बिना मैं कभी भी कुछ नहीं थी, पर अब मेरे बिना तुम अधूरे हो इतने कि पहले कभी न थे। शायद जमाने भर के लिए सजावार हूं मैं, पर प्यार को बचाती न तो लगता गुनहगार हूं मैं। तुम्हारे सिवा कभी भी कुछ जाना नहीं माना नहीं, हाँ तुमसे भी यही उम्मीद की इसकी खतावार हूं मैं। खुद गर्ज समझो अब मुझे या कहो बहरूबिया, बस इतना पता है जो किया इश्क की खातिर किया। यूं ही तो नहीं कहते होंगे इश्क इम्तिहान लेता है,